इस टाइम मैं डीएचए पीएसपी के जेड क्लॉथ कैफेलांटो की उस ब्रांच पे हूँ जहाँ से मेरे बाबा अगवा हुए 29 दिसंबर की रात बिटवीन 10:30 PM टू 12 AM। वो एग्जैक्टली इसी टेबल पे टाइम कर रहे थे और ये उसके ऊपर कैंडल। और फिर इन्होंने कहा कि इनके पास डीवीआर में फुटेज मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली इसी डीएचए की ब्रांच ने कैफेलांटो की इस ब्रांच ने रेकर्ड टेम्परिंग की है। इस ब्रांच ने फैसिलिटेट की है पंजाब पुलिस को उनके अगवा के अंदर। इसके बाहर जिधर मैं खड़ी हूँ 5 कैमराज, दैट्स अबाउट 5 कैमराज मौजूद हैं, और उसके बावजूद इनके पास डीवीआर में 10:30 PM से 12 AM तक का कोई रेकर्ड नहीं है। इसके सराउंडिंग एरियाज पे उदमा शवाद सैलॉन है, फाजी ब्राइडल स्टूडियो सैलॉन है, ग्रैंडियर इंटीरियर्स है, जैसे की प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 4 से 5 घर है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के जो डीवीआर है उसके अंदर किसी के पास रेकर्ड नहीं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर ये बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने फैसिलिटेट किया पंजाब पुलिस को। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बॉयकॉट करें लांतों की इसी ब्रांच को, इस स्पेसिफिक ब्रांच को। इन्हें पता चले कि इस मुल्क में हम किसी को अगर फैसिलिटेट करते हैं जुर्म में पंजाब पुलिस को, तो अवाम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। आई वॉन्ट कि मेरी पूरी अवाम मेरा ये मैसेज सुने कि बॉयकॉट अलांतो डीएचए फेस डी जेड ब्लॉक। इन्होंने फैसिलिटेट किया पंजाब पुलिस को, इन्होंने सहूलतकारी किया पंजाब पुलिस की, इन्होंने एविडेंस को हाइड किया। ये एक लॉ अबाइडिंग कंपनी नहीं, एक लॉ अबाइडिंग रेस्टोरेंट नहीं है ये ब्रांच। और इसके इर्द गिर्द के तमाम एरियाज में कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। आप खुद देखें कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे की फुटेज ही नहीं मौजूद। आप जानते हैं कि किसने अगवा किया उमर डार को? आप खुद डॉट्स को कनेक्ट कर लें, मैथ कर लें इस चीज का। थैंक यू।